हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। हम बात कर रहे हैं सेठ समूह की विचार श्रृंखला में, आज एक चौथे विचार से बात करेंगे और वो है लालच। देवी और सज्जनों, ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि सेठ समूह आपको कुछ ऐसे विचार परोस रहा है, दे रहा है, जिसमें आपका, आपके बच्चों का, अपने मित्रों का, हर उम्र के व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा मिल रहा है जो उसके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। ग्रीड, अंग्रेजी में कहूं तो, हिंदी में लालच, ये भी एक दुर्गुण है। चूंकि हम विजयादशमी के बाद इस विचार श्रृंखला को ले रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बात रावण की आएगी, और रावण की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज जो भी परिश्रम हम करते हैं, हमारे जो इरादे हैं, हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं, वो रावण जैसे करेक्टर पे फिट होते हैं। सचमुच रावण की योग्यता तो बड़ी गजब की थी, पढ़ा लिखा भी बहुत था, विश्व विजेता, जितनी उपलब्धियां रावण के पास थी शायद ही किसी के पास हो। फिर क्या हुआ कि शिखर वाला आदमी शून्य पे आ गया, और बस यही गलती हम न करें, इसीलिए तो ये विचार श्रृंखला। देखिए, अधिकार से ज्यादा की मांग लालच कहलाती है। लालच क्या करती है? आपके भीतर बार बार ये भावना पैदा करती है कि और मांगो और मांगो, कुछ और पाने की अनुचित इच्छा। अब देखिए, अनुचित शब्द है, गलत तरीके से मुझे ये मिल जाए, हम मुझे चाहिए बस, अब इसको अपना पाने के लिए मैं कितना ही गलत करूं, यह है लालच। क्या किया जाए? देखिए, हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी कोई भी काम करते थे तो वो कहते थे मुझे कुछ पाना नहीं है, मेरी हर क्रिया सेवा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे भीतर से लालच की वृत्ति समाप्त हो जाए, ये तो सब में होती है, इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं निज हित की कामना। लेकिन निज हित की कामना यदि सिंगल रह जाए तो लालच बन जाएगी, और निज हित में परहित की भाव है, मतलब निज हित मतलब मेरा भला हो लेकिन दूसरे को नुकसान ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा ही भला हो और इसके लिए मुझे दूसरे का नुकसान करना पड़े तो उसको फिर चालू कहेंगे, ग्रीड चालू हो गई, फिर आप गलत रास्ता अपनाएंगे। तो हनुमान जी हमेशा कहते मुझे कुछ नहीं पाना, कोई लालच नहीं मेरे मन में, समुद्र लांग के जाऊंगा, सीता जी को संदेश दूंगा, रावण को डराऊंगा, लौट के आ जाऊंगा, मुझे कुछ मिले ना मिले, मैंने तो राम जी की सेवा की है, बस ये भाव उतारी है। आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप सेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये लालच नहीं होना चाहिए कि मैं यहां से ये ले लूं, यहां से ये ले लूं। आप जहां नौकरी कर रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं? आपके पास जो बेस्ट है वो दे दीजिए। एज ए स्टूडेंट आपके पास बेस्ट क्या है? आपका टैलेंट है, आपका टाइम का डिवोशन है, आपकी अच्छी रैंकिंग है, नाम देंगे, आप पूछे जाएंगे, संस्था का नाम होगा, और संस्था चाहती भी है ये आपसे, सेज और आपसे क्या उम्मीद करता है? बतौर पेरेंट्स भी आप ये चाहते हैं बच्चे आगे जाएं। आप जो लोग यहां पढ़ा रहे होंगे, जो यहां काम कर रहे हैं, उनकी भी मंशा यही है। लेकिन लालच ना हो, निज हित और परहित का संतुलन, वरना लालच आपको ले डूबेगी। रावण की लालच इतनी बढ़ गई, अनुचित की मांग मतलब लालच। अब देखो, आप क्या मांग करी रावण ने? सीता मुझे मिल जाए। कब मांग करी? जब सीता जी का विवाह राम जी से हो गया। लालच यदि बढ़ती चली जाए तो अपराध बन जाता है। आप किसी दूसरे की पत्नी पर अधिकार कैसे जमा सकते हैं? पर आपकी लालच अंगड़ाई ले रही है और आप उसको पूरा कर रहे हैं, तो आप अपराध कर रहे हैं, और रावण ने अपहरण का अपराध किया। इस देश में किडनैपिंग, अपहरण के अपराध का जनक कौन था? रावण। आज तक लोग, रावण वाले जो लोग हैं वो यही कर रहे हैं। तो लालच को कंट्रोल करिएगा, नहीं तो अपराध करा देंगे। कितना लालची था, उसकी सभा में जब अंगद ने पैर पटका, अंगद दूत बन के गए थे युद्ध के पहले, आपको याद होगा, और जवान थे, तो अंगद ने कहा कि लो पैर पटकता हूं मैं, अगर तुम में से कोई मेरा पैर पीछे हटा देगा
तो मैं सीता जी को यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। देखो आप अंगद युवा था ना, तो क्या दांव लगाया? बोले मैं सीता जी को छोड़ के चला जाऊंगा। तेरी घरवाली तो थी नहीं, घरवाली राम जी की, तुम अपना ही दांव लगा रहे हो। पर वो युवाओं में जोश होता है ना, होश नहीं होता, तो अंगद ने पैर ठोक दिया। चलो ठीक है, अंगद तो जोश में था, पर रावण कितना लालची था कि उतरा और अंगद के पैर हटाने के लिए पैर पे बैठ गया। वो रावण विश्व विजेता जिसकी राजसभा में यम वरुण कुबेर इंद्र गर्दन नीचे करके खड़े रहते हो, जिससे लोग इतना डरते हो, वो रावण लालच में आके अंगद जैसे बंदर के पैरों में बैठ गया पैर हटाने के लिए। अंगद ने पैर हटा के कहा, दूर हट, पैर मेरे क्या पड़ता, राम जी के पड़। अब बताइए लालची आदमी इतना नीचे गिर जाता है। एक बात और कहता हूं, लालच, रावण तो चलो बुरा आदमी था, लेकिन लालच कितनी बुरी होती है। देखो हमारी जो सीता माता जी है ना, उनको लालच आ गया। स्वर्ण मृग मारीच रावण का मामा, रावण ने उससे कहा कि तू सोने का मृग बन और निकल उधर से। रावण को पूरा भरोसा, स्त्री मनोविज्ञान का जानकार था, तो उसने सोचा तू निकलेगा, सीता जी तुझे देखेंगी तो निश्चित रूप से मांगेंगी राम जी से, मांग जी, राम जी तेरे पीछे दौड़ेंगे तो आश्रम अकेला हो जाएगा, मैं अपहरण कर लूंगा। ये जो रावण जैसे कुटिल लोग होते हैं, इनकी प्लानिंग बड़ी खतरनाक होती है। लालची आदमी जब अपनी लालच को पूरा करने के लिए ताना बाना बुनता है, तो वही तो अपराध है, आपके भीतर ना आ जाए, ध्यान रखिएगा। सीता जी को लालच आ गया, अपने पति से कहती है मुझे ये स्वर्ण मर्ग दे दीजिए लाके। राम जी ने तो एक बार कहा कि देवी जब आप मेरे साथ अयोध्या से वनवास आ रही थी तो मैंने कहा था यही रहो महल में, जंगल में मत चलो, तो आपने कहा था नहीं आपके साथ चलूंगी, सब छोड़ के आपके साथ चलूंगी। जब सब छोड़ दिया तो फिर सोने के मृग में, तो कहती है नहीं इसको ले चलेंगे तो जब अपन अयोध्या 14 वर्ष बाद जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि जहां हम ठहरे थे वहां ऐसे सोने के मृग मिलते हैं। अब ये एक साइकोलॉजी है, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से चीजें खरीद के लाते हैं, अपने घर में जमा लेते हैं, फिर कोई पूछता है ये, हाँ नेपाल गए थे तब का है, मॉरिशस गए थे तब का है, बड़ा भाव होता है बताने का। तो सीता जी को लालच जाग गया कि मुझे तो सोने का हिरण चाहिए, राम जी तो लालच किसी का नहीं रखते। तो उन्होंने कहा देवी आपको बहुत सोने के हिरण किए, तब आप कुछ दिन सोने की लंका में ही जाओ, आप वहीं भेज दिया। ऊपर वाला लालच का ट्रीटमेंट अपने ढंग से करता है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा अपने लालच पर नियंत्रण रखना। चलिए आज एक प्रयोग भी बता देता हूं। हमारे जितने चक्र हैं ना हमारे शरीर में, 7 चक्र हैं, इसको तो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये जो नेवल पोर्शन है ना नाभि, इस चक्र का एक स्वभाव है संतोष, कंटेनमेंट, इसका स्वभाव है। अगर आप इस चक्र पे लगातार ओम का उच्चारण करें और इस चक्र पे हल्के से वाइब्रेशन आए तो आपके नेचर में संतोष उतर आएगा। और लालच की एक ही काट है, संतोष, धैर्य मिलेगा आपको मुकद्दर का, ये बावले हो जाओगे। तो ये जो आज का विषय था, लालच न करें। अगर आप लालच करते हैं आप अपराध करेंगे, अगर आपने लालच किया और अपराध न कर पाए तो उदास हो जाएंगे, थक जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, और आप थके दूसरों ने मौका उठाया। क्या हुआ था, लालच की सीता जी ने, जिद की तो राम जी गए और रावण ने फायदा उठा लिया, नहीं तो अपहरण होता क्या। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना लिए। लोग रास्ता देख रहे हैं आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे, तो लालच से बचे, नाभि पे काम करें। और इस सब को लेके आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप फर्दर कोई क्वेरी चाहते हो और कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो जो ये ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है इस पे अपने प्रश्न दीजिए, मौका आने पे आपको जरूर उत्तर मिलेगा। मैं तो आपके साथ हूं पूरी उम्मीद के साथ, और मेरी उम्मीद पूरे सेज समूह की उम्मीद है। ये जो शिक्षा का संस्थान है, इस संस्थान से और बड़े बड़े काम होते हैं, तो सेज ग्रुप आपसे उम्मीद करता है आपके व्यक्तित्व में निखार हो, आपके सपने पूरे हो, लेकिन आपके पास दुर्गुण न फटके, ये विचार श्रृंखला इसीलिए है। तो भरोसा दिलाइए खुद को और हमको भी, लालच नहीं करेंगे, जो मिल रहा है उसको संतोष के साथ प्राप्त करेंगे। और आपके भीतर संतोष उतराइए, कैसे पता लगेगा, जरा मुस्कुराइएगा फिर यहां से जाइएगा। कल मिलेंगे एक और विचार के साथ।
कल का विचार तो बहुत ही अच्छा है। लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, कितना गौरव रखें कितना गर्व करें, प्राइड और प्राउड, छोटा सा अंतर है लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ा फलसफा है, बहुत ज्ञान मिलेगा इससे। फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण।